गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। मैं हूं आकाश सर, आकाश राजौरिया, आर्मी स्कूल एग्जाम क्वालिफाइड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास सेवन्थ हिस्ट्री एंड द चैप्टर नंबर सेवन, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड द सेटल कम्युनिटीज। ओके, इन दैट केस वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। एक पहली स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ड्यूरिंग द मेडिवल एज, मध्यकालीन समय के दौरान, सेवरल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस। बहुत सारे जो सामाजिक हैं, आर्थिक हैं और जो राजनीतिक जो विकास के कार्य हुए, बहुत सारे ऐसे जो है अग्रसर हुए। द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। अब मैं बता दूं आपको, जो भारतीय समाज था वो वर्ण आधारित था। वर्ण आधारित मतलब जो भारतीय समाज था वो, अब क्या बोलूँ इसको, मुझे बताना पड़ेगा, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में आधारित था। यानी प्रथम वर्ण में ब्राह्मण आते थे, दूसरे वर्ण में क्षत्रिय आते थे, तीसरे में वैश्य और बाकी जितने बचे वो शूद्र हो गए। ठीक है। द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। जो मध्यकालीन भारत में जो है पुअर, गरीब और अमीर के बीच जो खाई है वह और बढ़ गई। ओके, देयर वेर हाउ वेर सेवरल कम्युनिटीज विच डिड नॉट फॉलो रूल्स लेड डाउन बाय द ब्राह्मिन्स। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो रूल फॉलो नहीं करती थी, उन पर जो है ब्राह्मणों का क्या हुआ, आप समझ गए, इसे मैं उच्चारण नहीं करना चाहता हूँ। लेट डाउन बाय द ब्राह्मिन्स, दीज इंक्लूडेड द ट्राइब्स, नोमैड्स एंड द सेटल कम्युनिटी। इनमें बहुत सारी कम्युनिटी थी, जैसे जनजाति थी, आदिवासी लोग थे, नोमैड्स थे, जैसे जो व्यक्ति ऐसे घुमक्कड़ होते हैं जिनका कोई स्थान नहीं होता, जो जंगल में रहते हैं एक जगह से, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। ओके, अब देखते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में, स्टूडेंट थोड़ा पढ़ते हैं, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जनजाति जो समाज था वो कहता है, ट्राइब्स आर पीपल हु डू नॉट फॉलो नॉर्म्स लेड बाई द सोसाइटी। ट्राइब्स वह समाज था जो समाज, जो सोसाइटी ने, जो समाज ने जो नियम बनाए हैं वे उन्हें फॉलो ही नहीं करते थे। क्यों फॉलो करें भाई, इस तरह से आप कैसे विभाजित करते कर सकते हो किसी भी वर्ण को। यानी वर्ण व्यवस्था जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है यार, इंसान जो काम करेगा वही है ना। आप पढ़ाई लिखाई करो और कुछ बनो, तो जो पुराने ज़माने की बात थी सब ढोकले बने की थी स्टूडेंट्स, उन्हें आप फॉलो मत करना। ट्राइब्स आर पीपल हु डू नॉट फॉलो डॉम्स, ये भी फॉलो नहीं करते थे, लेट डाउन बाय द सोसाइटी, जो समाज ने नियम बनाए थे। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वेयर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, ज़्यादातर वे खेती पर डिपेंडेंट थे। अदर्स वेयर हर्डर्स एंड हंटर गैदरर्स, और कुछ लोग जो है क्या थे, आपके हर्डर्स थे, जो चरवाहा थे, और हंटर गैदरर्स थे, और कुछ चीज़ें इकट्ठा करने वाले लोग थे। ट्राइब्स वेयर इवन नोमैडिक, नोमैडिक भी थे, नोमैडिक मतलब होता है बच्चों घुमक्कड़, जो एक जगह स्थिर ना हो। ठीक है, ट्राइब्स वेयर इवन नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, मैंने अभी बताया ना क्या होते थे घुमक्कड़। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा पतला कर लो यार, ये ज़्यादा मोटा हो गया माय डियर स्टूडेंट। इसका आज कलर चेंज करते हैं, हरे कलर से आज पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट को। चलिए आगे चलते हैं। मेनी ट्राइब्स लिव्ड इन फॉरेस्ट, जंगलों में रहते थे, हिल्स यानी कि पहाड़ों पर रहते थे, डेजर्ट्स में रहते थे, एंड अदर प्लेसेस विच वेयर डिफिकल्ट टू रीच, जहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था। दे वेयर प्रिजर्व देयर कल्चर, वे अपने जो उनकी संस्कृति थी उसे संरक्षित करके रखते थे, एंड हेरिटेज थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन मतलब एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन को पास होती थी उनकी जो संस्कृति थी, ब्रिटेन में तो थी नहीं। ठीक है, देयर वेयर इवन क्लासेस, मतलब उनके बीच मतभेद भी होता था, बिटवीन ट्राइब्स एंड पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। और जो जाति आधारित जो समाज था और जो ट्राइब्स थी उनके बीच जो है क्लासेस भी होते थे। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम मेडिवल इंडिया हार्डली गिवन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन, देखिए आप जो आपके इतिहासकार हैं ना और जो ट्रैवलर हैं, वो लोग सिर्फ सिटीज़ में आके चले जाते थे, राजाओं के पास घूमे और निकल गए, उनकी चाटुकारिता की, उनकी चापलूसी की और निकल गए, यही थे इतिहास का। लेकिन बहुत कम जानकारी दी है इन्होंने, अभी भी ऐसा ही होता है। आप देखो कैमरा, विदेश से फॉरेनर जब आपके ट्रैवलर करने आते हैं, यात्री आते हैं, तो वे सिर्फ सिटीज़ में जाएंगे और निकल जाएंगे। अरे आपको अगर आपको इंडिया के बारे में जाना है, तो आप अगर आप भारत के बारे में जानना चाहते हो, तो आप रूरल इंडिया में आओ, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण भारत में आओ। अगर आपको भारत में ही के बारे में जानना है, वहाँ आपको भारत के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि गांव, भारत जो है गांव में ही बसता है, गांधी जी ने भी कहा था। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम मेडिवल इंडिया हार्डली गिवन एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्राइब्स।
बहुत मुश्किल से कम इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, बड़ी मुश्किल से या फिर दी ही नहीं है। जो ट्रैवलर्स से मेनी ऑफ ट्राइब्स इमर्ज एज पॉलिटिकली, बहुत सारी जो जनजातियाँ हैं उनका उदय हुआ पॉलिटिकली पावरफुल ग्रुप्स थ्रू देयर एरियाज इन्फ्लुएंस एंड एक्टिविटीज वेरीड। ठीक है, जो राजनीतिक जो पावरफुल ग्रुप थे उनके थ्रू उनका उदय हुआ है, थ्रू देयर एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस जो उनका प्रभाव था एंड एक्टिविटीज वेरीड, और जो वो जो है क्रियाकलाप किया करते थे। सम ऑफ द पावरफुल ट्राइब वेयर खोकर ट्राइब, ओके, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ट्राइब खोकर ट्राइब इन पंजाब, लंगास एंड द आर्गूंस इन मुल्तान एंड गद्दीज इन हिमालयस, ये कुछ ट्राइब हैं। अब है कोलीस एंड बिराट्स ऑफ गुजरात, गॉन्ड्स ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, भील ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया, ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, भील ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। द ट्राइबल सोसाइटी अंडरवेंट अ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद द हिंदू एंड इस्लामिक सोसाइटी, इनमें बहुत सारी चेंज हुआ है। तो ट्राइबल सोसाइटी जो थी, जनजातीय समाज जो था, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए जब इनसे कुछ हिंदू लोग और कुछ इस्लामिक लोग यानी मुस्लिम लोग मिले, ओके, इनके ट्रेडिशन में भी चेंज आए। आगे है पेस्टोरल नोमेड्स, द पेस्टोरल नोमेड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर हर्ड ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के साथ वे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, दे सर्वाइव ऑन मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एक्सचेंज घी, ये ज़्यादातर तो भाई जानवर लेके जाएंगे तो वही मिल्क प्रोडक्ट्स पर ही तो डिपेंड होंगे, और घी को एक्सचेंज करते थे ऊल को एक्सेट्रा विद फार्मर्स, किसानों के साथ, और अपने खाने का जो दैनिक सामग्री है उन्हें ले लेते थे, फॉर ग्रेन्स क्लोथ यूटेंसिल ये सब चीज़ें वे ले लेते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स वेयर बंजारास, ठीक है, ये नोमैड्स हैं, घुमक्कड़ हैं, ये एक जगह स्थायी नहीं होते। देयर कारमा वाज कॉल्ड टंडा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज बंजारस टू मूव ग्रेन टू द सिटी मार्केट, अलाउद्दीन ने इनका यूज़ किया था बंजारस का, जिसके थ्रू ये मार्केट में जो है क्या ले जा सकें, जो अनाज है वह पहुंचा सकें। पेस्टोरल ट्राइब्स दस बेसिकली रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, मुख्यतः क्या करते हैं, जानवरों का को बेचते हैं या चुंगाते हैं, कैटल टू देयर प्रॉस्पेरस पीपल, ठीक है, जो धनवान लोग होते हैं उनके लिए। चेंजेस इन द कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ओके, तो इसके बारे में देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इन द फील्ड्स, भारत में जाति में किस तरह परिवर्तन हुआ, इन द फील्ड्स ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, व्यापार और कृषि के क्षेत्र में देयर इमर्ज अ मल्टी कास्ट पॉपुलेशन इन मेनी विलेजेस ऑन अकाउंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ स्लम, बहुत सारे छोटी छोटी जातियों का जन्म हुआ इन मेनी विलेजेस गाँव में ऑन अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ स्लम, जैसे ही जो है मुस्लिम धर्म का प्रचार हुआ। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट प्रीच्ड इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट कास्टेस एंड रिलीजियस ग्रुप्स, सूफी और भक्ति जो आंदोलन थे उन्होंने ये कहा कि आप जातिवाद मत मानिए और सभी व्यक्ति समान हैं। ठीक है, रिलीजियस ग्रुप्स और जितने भी धर्म हैं वो भी बताए कि सभी आप धार्मिक रूप से समान हो, ना हो तो जाति रूप से आप अलग हो, ना ही धार्मिक रूप से अलग हो। इंटरकास्ट मैरिज स्टार्टेड बिटवीन, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज भी स्टार्ट होने लग गई, यानी अंतर जातीय विवाह भी जो है प्रारंभ होने लग गए बिटवीन द राजपूत्स एंड मुस्लिम नोबल्स, यानी राजपूतों में और मुस्लिमों में जो है इंटरकास्ट मैरिज भी स्टार्ट होने लग गए, आप पास्ट में भी देख लेना। ठीक है, जैसे जोधा अकबर, इस तरह से राजपूतों और मुस्लिमों में इन्होंने अपने आपस में शादी करना स्टार्ट कर दिया। विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी न्यू जातीज वर्न इमर्ज, नई नई जातियाँ आई, मेनी ट्राइब्स बिकम पार्ट ऑफ रूल चेंजेस, बहुत सारी जातियाँ इसका अंग बन गई, बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं इसका अंग बन गई। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।